हेलो गाइज, आई एम नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली एकेडमी में। सो गाइज, आज के वीडियो में हम सिखाने वाले हैं आपको ये एयर ब्रश मशीन के साथ नेल आर्ट कैसे करते हैं, शेडिंग वर्क कैसे करते हैं और साथ में इसके साथ ओम्ब्रे कितना इजीली होता है। तो सारे की सारी इस वीडियो के बारे में क्या प्रोडक्ट यूज़ होना है हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है गाइज, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को देखने के बाद लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। सो गाइज, जैसे कि आप हमारे क्लाइंट के नेल देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे ब्रॉड नेल हैं लेकिन जो नेल की बेड है वो बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पर हम टिप्स लगाएंगे आज। तो सबसे पहले हमें जो है इनके नैचो नेल को कट करना है। एसीटोन फ्री से तो हमने ऑलरेडी इनके नेल्स क्लीन कर ही लिए हैं, टिप के साइजेस भी हमने निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले क्यूटिकल एरिया को हम पुश कर लेंगे, क्योंकि नेल बेड बहुत छोटा है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेल बेड चाहिए। तो उसके लिए हमारा क्यूटिकल एरिया अच्छे से पुश होना बहुत ज़रूरी है। फ्री एज एरिया को नीट कर लेंगे क्योंकि लेंथ को तो कट कर ही दिया था। नीट करने के बाद पूरे नेल को मैं कर रही हूँ अच्छे से हार्ड ब्लोबफर से ब्लोबफ एंड ब्लोबफ करने के बाद, जैसे कि ऑलरेडी हमने टिप सेलेक्ट करके रखी हुई है, तो हम जो है यहाँ पर ग्लू की हेल्प से अपनी टिप अप्लाई करेंगे। हमारे जितना नेल जो बड़ा है उससे आधे नेल के ऊपर हम अपनी टिप अप्लाई करेंगे। सो गाइज, यहाँ पर मैं जो ग्लू यूज़ कर रही हूँ ये है हमारी प्रोफेशनल नेल ग्लू। आई एम श्योर आप भी प्रोफेशनल नेल ग्लू ही यूज़ करते हैं। अगर आप इसे यूज़ नहीं करते तो गाइज आपके क्लाइंट के नैचुरल नेल काफ़ी जल्दी से गलने स्टार्ट हो जाते हैं, डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेक श्योर आप हमेशा ग्लू जो है अच्छे से अच्छे ब्रांड की यूज़ करें। तो लॉकिंग एरिया पे, जैसे कि हमने डी कट टिप्स यूज़ कर रहे हैं, लॉकिंग एरिया पे ग्लू लगाने के बाद नेल को ब्लॉब ऑफ करने के बाद हमने हाफ ऑफ द एरिया पे इसे इस तरीके से पेस्ट करना है एंड कुछ सेकेंड्स के लिए इसे होल्ड करके रखना है। अब बारी है इसकी लेंथ को कट करने के लिए। तो यहाँ पर हमें टिप क्लिपर की हेल्प चाहिए होती है, तो टिप क्लिपर इसे बहुत ईजिली कट कर देता है जैसे कि आप देख सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि टिप क्लिपर से आपको डायरेक्ट जो प्रॉपर एक शेप है स्क्वायर की वो मिल जाती है। तो अब हम इसे ब्लेंड करेंगे, जैसे कि जो टिप है हमारी उठी हुई रहती है नैचुरल नेल के ऊपर, इसे हम एमरी बोर्ड के साथ ब्लेंड करेंगे, नैचुरल नेल के अंदर इसे मर्ज कर देंगे, साइड्स नीट करेंगे और जो भी हमें शेप क्रिएट करनी है वो भी हम इसी स्टेप पे ही क्रिएट करेंगे। सो अभी मैं जो शेप बना रही हूँ ये बना रही हूँ कॉफिन शेप। तो इसमें इक्वली स्लैंट हमारा एमरी बोर्ड बिल्कुल स्ट्रेट स्लैंटिंग में चलता है, घुमाते हुए नहीं चलाना है बिल्कुल, नहीं तो आपकी शेप जो है चेंज हो जाती है। तो शेप करने के बाद अब हम पूरे के पूरे नेल को अगेन ब्लॉब ऑफ करने से पहले क्यूटिकल एरिया को पुश करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेल बेड का एरिया और बड़ा मिल सके। और पुश करने के बाद जो है हम पूरे के पूरे नेल को ब्लॉब ऑफर की हेल्प से ब्लॉब ऑफ करेंगे। हमारा नेचुरल नेल का एरिया, साइड वॉल्स हमारी और साथ में फ्री एज एरिया, टिप की जो जितनी भी शाइन है गाइज हमने वो सारी रिमूव कर देनी है हमारे ब्लॉब ऑफर की हेल्प से। गाइज़ यहाँ पे पूरे नेल को अच्छे से ब्लॉब ऑफ कर लेना है हमने ड्राई करने के बाद जो है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर जेल। तो प्राइमर जेल की पहचान होती है गाइज़, ये ना शाइन छोड़ता है, डिहाइड्रेट के साथ साथ ये जेल का भी काम करता है। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ इसके ऊपर बिल्कुल पतला पतला जेल। तो जेल जो है विथ स्ट्रेंथनिंग पाउडर हम यूज़ करेंगे, बिल्कुल पतली कोट करके पूरे नेल के ऊपर अप्लाई करेंगे। इक्वल लेवल होना चाहिए गाइज, जितना पतली कोट आप यहाँ पे लगाते हैं अपने बेस की उतना ही ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी रहती है। तो इसे क्योर करा देंगे एंड क्योर कराने के बाद चेक करेंगे तो ये ड्राई हुआ है, यानी तो आप देख सकते हैं ये दानेदार है और अच्छे से ड्राई हो चुका है और चिपचिप भी नहीं कर रहा है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर बिल्डर जेल। तो सेम हमारा निहाओं का हार्ड जेल यूज़ कर रहे हैं हम, अच्छे से थिक थिक लेयर करके अप्लाई करेंगे पूरे नेल के ऊपर और इसे भी हम क्योर करवा देंगे। एंड इसे क्योर करवाने के बाद गाइज मैं सेकेंड बिल्डर अप्लाई कर रही हूँ। तो जैसे सबसे पहले हमने बेस लगाया था उसके बाद हमने थिक करके जेल लगाया फर्स्ट बिल्डर, अगेन मैं थिक करके लगा रही हूँ सेकेंड बिल्डर। इसे भी सभी नेल्स पर हमने इक्वली अप्लाई करके एक साथ ही क्योर करवा देना है। तो हमारा बिल्डर जो है पूरा कंप्लीट क्योर हो चुका है। अब मैं कर रही हूँ जेल वाइप। तो जेल वाइप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एसीटोन फ्री का और साथ में लिंट। तो इसे अच्छे से हमने जो है पोंछ देना है क्योंकि जेल जो है बहुत चिपचिपी होती है, तो इससे जो है इसकी चिपचिपाहट ख़त्म हो जाएगी और हम नेक्स्ट स्टेप पे इजीली पहुंच जाएंगे। और साथ साथ ये हमारे नेचुरल नेल की क्यूटिकल एरिया की स्किन को भी मॉइस्चर देता है। और अब हम करेंगे बफिंग। तो बफिंग के लिए गाइज मैं यूज़ कर रही हूँ एमरी बोर्ड का।
एमरी बोर्ड से हम क्यूटिकल एरिया को नीट करेंगे, साथ साथ साइड वॉल्स को, और पूरे नेल की बफिंग करेंगे, और एक बार शेप को भी दोबारा से ज़रूर क्लियर कर लेंगे। एंड गाइस, बफिंग करने का एक और रीज़न भी होता है, सिर्फ डंज बम्स क्लीन करना ही नहीं या शेप क्लीन करना ही नहीं, ये हमारे नेल का एपेक्स भी क्रिएट करता है, जिससे कि हमारे नेल और ज़्यादा ब्यूटीफाई हो जाते हैं। सो एमरी बोर्ड से बफिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम पहले जो है ना मशीन को असेंबल कर लेंगे। तो ये हमारी एयर गन है, और साथ में इसका प्रेशर वाला बैटरी वाला जो है पंप है साथ में, और ये साथ में कप है जिसमें हम जो है इसे घुमा घुमा कर अटैच कर देंगे, जिसमें हमने अपना प्रोडक्ट डालना है। एंड प्रोडक्ट डालने के बाद इसे घुमा कर हम इसमें कैप कर सकते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट गिरे ना। और नीचे की साइड में जो है यहाँ पर हम अपनी बैटरी को और जो कि इसका प्रेशर है एयर का, उसको हम बॉक्स को पंप कर देंगे, इसमें अटैच कर देंगे। तो हमारी मशीन जो है तैयार हो चुकी है। इसके अलावा हमें इसमें और कुछ अटैच नहीं करना होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है हम एसीटोन फ्री डालेंगे पंप में। तो मैंने गिनती का सिर्फ एक से दो जो है ड्रॉप यहाँ पर पंप में डाला है एसीटोन फ्री हमारे कप में। और इसके साथ साथ जो है मैं अपनी जेल पॉलिश की थोड़ी सी बूंदें डालूंगी, जैसे कि हमारा अगर एक बूंद हमारी जेल पॉलिश है तो एक बूंद हमारा एसीटोन फ्री होना चाहिए। तो क्योंकि मैंने पहले भी एसीटोन फ्री इसमें डाल दिया था थोड़ा सा, तो इसलिए मैं अब थोड़ा सा जो है ज़्यादा ड्रॉप डाल रही हूँ। और ड्रॉप के साथ साथ मैंने पहले मशीन में जेल पॉलिश डाली थी, फिर एसीटोन फ्री डाला था, और अब मैं दोबारा से एसीटोन कलर डाल रही हूँ हमारी जेल पॉलिश का, तो जो हमें कलर चाहिए। तो मेक श्योर आपने इसमें जब इसे प्लेस करना है, प्रोडक्ट को डालना है, इसके बाद आपने ना इसको मिक्स ज़रूर करना है। मिक्स इसलिए करना है, मिक्स आप जो है इसकी फिंगर रख के आगे तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारी जो जेल पॉलिश है और एसीटोन है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से डिल्यूट हो जाए। सो हमारा लिक्विड अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसकी कैप लगा के रख देंगे। तब तक के लिए हम नेल को प्रिपेयर करेंगे। तो पूरे नेल को मैंने अच्छे से जो है ब्लॉब ऑफ कर लेना है, क्योंकि एमरी बोर्ड से बफिंग तो हो ही गई थी। अब मैं ब्लॉब ऑफ कर लूँगी, एंड ब्लॉब ऑफ करने के बाद जो है पूरे नेल को स्मूथ करने के बाद यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी अपनी जेल पॉलिश। तो फर्स्ट कोट ऑफ जेल पॉलिश अप्लाई करेंगे हमारे ये नेचुरल कलर का, नेचुरल पिंक कलर है ये, जो कि हमें बहुत ही ट्रांजी इफेक्ट देता है, बहुत ही नेचुरल नेल का अच्छा सा कलर देता है। तो पतली से बिल्कुल कोट हम अप्लाई करेंगे पूरे के पूरे नेल के ऊपर, इक्वली स्प्रेड करना है पतली कोट, और सभी नेल्स पर इसे हमें इक्वल लगाकर जो है क्योर करवा देना है। बेस कलर क्योर करवाने के बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ हमारी एयर गन मशीन। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट जो है देखिए आप कैप के ऊपर आ गया जब मैंने इसे मिक्स किया था। धीरे धीरे बैक साइड पे इस पर टिश्यू रख के फिर हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टाइम जैसे मेरा अच्छा नहीं आया था, बहुत डिल्यूटेड आया, लेकिन अब मेरा बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि एकदम से जब हम प्रेशर देते हैं गाइज तो हो सकता है आपका प्रोडक्ट ज़्यादा निकले। तो एक बार क्लीन करके आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे धीरे धीरे करके अप्लाई करने के बाद जो हम इसे क्योर करवा देंगे गाइस। क्योर हमें इसे इसलिए कराना है क्योंकि एसीटोन फ्री तो एयर में उड़ जाएगा, लेकिन हमारी जो जेल पॉलिश है वो जेल बेस्ड ही रहती है, तो वो चिपचिपी रहेगी, वो हिले ना, इसलिए क्योर करा देंगे। एंड क्योर कराने के बाद गाइस मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ यूवी टॉप कोट। तो आप देख सकते हो मेरा जो ओम्ब्रे इसके साथ बहुत ही आसानी से आ गया है, और बहुत ईजी स्टेप में हो गया सिर्फ एक ही कोट में, मुझे दोबारा कोट भी नहीं देनी पड़ी। और अब ये कुछ एक्सेसरीज़ हैं, इनके साथ हम अपने यूवी टॉप कोट के साथ ही इसके ऊपर एक्सेसरीज़ लगाएंगे और इसे डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर जैसे कि मैं राइनस्टोन एंड पर्ल्स का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन बाकी जो 3 नेल बचे हैं गाइज उसके ऊपर भी हमने यूवी टॉप कोट लगा के आपने देखा ही क्योर करवा दिया था। तो इकट्ठा जो है क्योर करवाया, बाकी जो नेल है उस पर भी मुझे डिज़ाइनिंग कराना है, तो मैंने पूरे नेल को ब्लॉब ऑफ कर दिया यूवी टॉप कोट लगाने के बाद। एंड ब्लॉब ऑफ करने के बाद हमारी वाइट जेल पॉलिश के साथ इस तरीके से वेव बनाऊंगी, ताकि मुझे जो इसका लुक है लाइक पर्ल का लुक वाइट रहता है, तो वाइट के साथ साथ हल्का सा मैं राइनस्टोन जैसे शिमरी होते हैं तो इसमें ग्लिटर का इफेक्ट भी दूंगी। तो पहले वाइट जेल पॉलिश के साथ इस तरीके से ब्रश आर्ट से वेव बना देंगे और इसे क्योर करवा देंगे। और इसे भी क्योर करने के बाद अगेन यहाँ पर मैं ग्लिटर की कोट ले रही हूँ, जो कि थोड़ी कॉपरिश कलर है, क्योंकि गोल्डन या सिल्वर लेते तो इसके साथ शायद अच्छा नहीं लगता, तो मैंने थोड़ा वाइट के साथ एनहेंस होता हुआ कलर लिया हुआ है, जो कि कॉपर गोल्ड कलर है, कॉपर
ग्लिटर के कलर में जो है इसका इफेक्ट आएगा, और जब हम इसे फ्लैश लुक में देखेंगे तो इसकी लुक भी बहुत अमेजिंग आएगी। तो मैंने वाइट के साथ साथ जो है दो दो लाइनें दे दी हैं, एक लाइन के साथ नहीं दिया, इसे क्योर करा दिया। एंड क्योर कराने के बाद मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ अगेन यूवी टॉप कोट। तो हमारा ओम्ब्रे का इफेक्ट भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, हमारे जेल नेल एक्सटेंशन भी हो गए और हमारी नेल आर्ट भी हो गई। इसे भी क्योर करा देंगे। क्योर कराने के बाद दिस इज़ द फाइनल लुक। आई एम श्योर गाइज आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपके पास हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। और वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।